सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में आमजन की सुरक्षा और अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए जन सहयोग से लगाए गए सीसीटीवी खराब हो गए हैं। पिछले 5 साल से इनकी देखरेख नहीं हुई। कैमरे जिस मकसद से लगाए गए वो पूरा नहीं हो रहा है। देखिए रिपोर्ट में। लक्ष्मणगढ़ शहर में सुरक्षा की दृष्टि से 2016 में लक्ष्मणगढ़ के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार की कोशिशों और जन सहयोग से शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे। शहर में लगे करीब 33 सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को काफी सहायता भी मिली। पुलिस को शहर में होने वाले अपराध पर काफी हद तक लगाम लगाने में सफलता भी मिली, लेकिन 2018 में आयोजित हुई परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने के कारण शहर में लगे 33 सीसीटीवी कैमरों ने एक के बाद एक काम करना बंद कर दिया, जो अब तक ठीक नहीं कराया जा सका है। पुलिस विभाग के पास ऐसा कोई मद नहीं है जिससे लाखों रुपए खर्च कर इन सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराया जाए। लक्ष्मणगढ़ में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद ने इस संबंध में पहल करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से सामंजस्य बैठा कर लगभग 2,80,000 रुपये के सीसीटीवी कैमरे नगर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक हित के मद्देनज़र लगवाए थे। शहर में करीब 25 से 30 कैमरे लगे थे, उसमें 7-8 कैमरे नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और बाकी जन सहयोग से लगाए गए थे। लेकिन अब कई दिनों से शहर के पूरे कैमरे बंद पड़े हैं, तो मेरा यह एक मेरी मांग है कि जो शहर के जो कैमरे बंद है उनको अतिशीघ्र जन सहयोग से चालू करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाजार में घटना होती है पुलिस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आम जन से सहयोग की अपील की है ताकि शहर के सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराया जा सके या उन्हें बदला जा सके, जिससे दिन दहाड़े होने वाली घटनाओं पर लगाम लग सके। हालांकि लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने शहर में निजी प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से शहर की आपराधिक घटनाओं पर जरूर नजर रख रही है। कई मामलों के खुलासे में इससे मदद भी मिली है। एटीएम लुटेरों और शहर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से लूट की वारदात करने वाली ईरानी गैंग को पकड़कर सलाखों के पीछे डालने में सफलता मिली। व्यक्तिगत जो भी उनका प्रतिष्ठान है, जहां पर भी नई शॉप का किसी भी प्रतिष्ठान का वो अगर कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, तो वो अपनी शॉप के साथ साथ में एक सीसीटीवी कैमरा जरूर रखवा लेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही महंगा भी नहीं है। तो उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप लगवा लो, ताकि हमें जैसे भी मदद, कस्बे में 2 ATM चोरियाँ हुई थी, ईरानी गैंग ने यहाँ पे वारदात की, जो भी मोटरसाइकिल चोरी वगैरह की वारदातें होती है रात्रि में सुनेगरों में जो होती है, उनके खुलासों में जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों पर कैमरे थे उनका हमें बड़ा सहयोग मिला था। लक्ष्मणगढ़ की सामाजिक संस्था लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद के सहयोग से करीब 2,80,000 रुपए की लागत से शहर के अलग अलग स्थानों पर करीब 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जबकि लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से शहर के अलग अलग स्थानों पर करीब 5,11,000 रुपए की लागत से 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो गणेश जी मंदिर के सामने, मुरली मनोहर मंदिर के पास, पुराना बस स्टैंड और नया बस स्टैंड पर लगवाए गए थे। ये 2 लगाए गए डाकुड़े के मंदिर के पास में, एक लगाया पुराना बस स्टैंड पे, 2 नया बस स्टैंड पे लगाए गए हैं और एक गणेश जी मंदिर के पास में। ये 5,11,000 रुपए की लागत नगर पालिका आई थी, मेंटेनेंस एक बार हुआ है। अपराध पर लगाम कसने के लिए सीसीटीवी कैमरे काफी मददगार साबित होते हैं। ऐसे में शहर हो या कस्बा, सीसीटीवी कैमरे को चालू रखना बेहद जरूरी है। अशोक सिंह शेखावत, जी मीडिया, सीकर।